अगर आपका बच्चा पढ़ने, बोलने और समझने में दिक्कत का सामना कर रहा है तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी के संकेत हो सकते हैं। महादेवा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोपस्ता में IME ने लर्निंग डिसऑर्डर पर आयोजित किया CME कार्यक्रम। जानते हैं IME कानपुर जो शाखा है वो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी शाखा है और भारत वर्ष की 5वें नंबर की शाखा है। तो ये करीब 2400 सदस्य हमारे हैं जो IME कानपुर में पूरे कानपुर भर में हैं। तो हम कई बार क्या होता है कि आवागमन शहर का साइज ये सब की वजह से कई बार लोग IME तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो उसके लिए जब मैं अध्यक्ष बना था तो मैंने ये IME आपके द्वार एक महत्वाकांक्षी योजना भी शुरू की थी। ये उसी की कड़ी में एक कार्यक्रम था जिसमें हम ने सदस्यों के पास स्वयं आकर के उनकी समस्या सुनने के लिए यहाँ आने का कार्यक्रम था कि हम यहाँ पे खुद आएंगे और खुद आकर के समस्या सुनेंगे, जो कि हमने भी किया। और हमारे इस कार्यक्रम में कुछ ज्ञान भी प्राप्त हो, इसके लिए हमारे दो विशेषज्ञ डॉक्टरों को हमने सेवाएं भी ली और जिनके हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर पुनीत जो पेट के रोगों के विशेषज्ञ हैं और डॉक्टर अरविंद जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं, इन्होंने दो प्रमुख विषयों पर यहाँ पे हमारे सदस्यों को का ज्ञान बढ़ाया। तो ये कुल मिलाकर हमारे सदस्यों के साथ इंटरेक्शन, दूसरा हमारे जो सदस्य हैं उनका ज्ञानवर्धन और उनसे हमारा मिलने का सौभाग्य, ये सब तीन काम हमने एक साथ तीन काम आज किए। और ये जो कड़ी है ये यहीं पे समाप्त, ये आज पहली कड़ी है और हम शायद आशा करते हैं कि ये हर महीने हम अपने पूरे कार्यकाल में इसको करेंगे। और आपके माध्यम से मैं अपने उन सदस्यों को जो मेरी बात सुन रहे होंगे IME के सदस्य, उनसे मैं अपील भी करूँगा कि वो IME बिल्डिंग लगभग पूर्णता पर है तो IME की बिल्डिंग में अपना सहयोग, अपना तन मन धन से सहयोग सबका होना चाहिए। उनकी अपनी बिल्डिंग है तो मैं थोड़ा सहयोग करें और उसमें, ताकि ये बिल्डिंग पूर्णता से शुरू हो और इस तरह के कार्यक्रम के लिए हमारे पास और एक बेहतर जगह हो जाए जहाँ हम अपने मरीजों के, अपने सदस्यों के लिए और बढ़िया से काम कर सकें। ठीक, धन्यवाद। आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य हमारे बच्चों विज्ञान के प्रति कुछ क्लिनिकल टर्म्स के प्रति, बीमारियों के प्रति जागरूक और IME को पूरे क्षेत्र में सुधारें। और आज का विशेष उद्देश्य हमारा एक सर्जिकल महादेवा हॉस्पिटल का एक सर्जिकल कैंप चल रहा है जो कि हर साल 15 दिसंबर से लेकर चलता है। इस साल अति विशेष और बहुत ज़्यादा मार्च तक आगे बढ़ाया गया है। ये सर्जिकल कैंप अपने आप बहुत गरीब तबके के लोगों के लिए है जो कि बहुत ही नॉमिनल रेट्स में, जो कि आपको अभी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और सारे खर्चों के सहित में हो। सर, महादेवा हॉस्पिटल बाकी हॉस्पिटल्स में अंतर क्या है कानपुर साउथ के? सबसे सर्वप्रथम अंतर ये है कि आपका जो महादेवा हॉस्पिटल हमारे जितने भी भारत के प्रथम मानक जो भी मानक हैं उन पर, उन मानकों के साथ है। NABH मान्यता प्राप्त, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त और फिलहाल के लिए इस समय बड़े बड़े सरकारी और छोटे प्राइवेट TPAs के थ्रू मान्यता प्राप्त अस्पताल है और मिनिमम कम जो कम से कम दरों में सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराता है।